गाइस गुड मॉर्निंग। यार आज का ब्लॉग स्टार्ट करते तो भाई ये रहा हमारा ट्रक और ये है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। तो भाई फोर लाइन है जो कि ये ट्रक के लिए है, ट्रक के लिए भाई रुका है यानी इमरजेंसी के लिए, प्लस जो कि खाली लाइन होता है जिसमें ट्रक ही चलते हैं बस उन लाइन में ट्रक रुका है क्योंकि रात का समय था और आगे कुछ व्यवस्था है नहीं रुकने के लिए। इसके लिए ना देख सकते हो यहाँ पे ट्रक रुके हैं और हमारा ट्रक तो भाई पीछे रुका था बस, जस्ट अभी ला के यहाँ पे खड़ा कर रहा हूँ क्योंकि यार उधर चाय सही नहीं मिलता। अभी यहाँ पे ना चल के उधर रुक के चाय पियेंगे, वो जो भाई सोलर पैनल दिख रहा है ना वहाँ पे, आ जाओ चला जाओ चाय पिया जाए और आज का ब्लॉग स्टार्ट किया जाए। तो गाइस ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना, हम आपको भाई यार कुछ अजीब और गरीब नज़ारे दिखाते हुए ना ले के चलेंगे। गाड़ी देखो भाई अपनी वो लगी है रोड पे, हल्की हल्की दिख रही होगी उन गाड़ियों के बीच में। और चाय पीने हम ना यहाँ नीचे उतर के आए हैं, फिलहाल हम चाय आते हैं तो पीते हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ठीक मिल जाता है। आ जाओ चाय साय हो गया, एक बार ना टायर पे नज़र मारते हैं क्योंकि अपने पास एक्स्ट्रा टायर है नहीं, इसके लिए इसी में भाई जैसे तैसे करके ना हमें रुद्रपुर पहुंचाना है, नहीं तो फिर अगर रास्ते में कहीं पर भी पंचर हुआ ना फिर कोई साथ देने वाला है नहीं। ठीक, और अपने टायरों को ना ये गिट्टकी पंचर करता है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। हमारे पास वैसे तो दो टायर रखे हैं पर दोनों टायर ना पंचर है और फटा है। एक टायर ये है जो कि भाई पूरा सेप अच्छा है, अभी गोटी देख सकते हो पूरी, पर इसके जो ट्यूब है ना ये ट्यूब बेकार है। और ये वाला जो टायर है ये भाई टायर फटा है, वैसे टायर भी अच्छा है पर ख़त्म है। आ जाओ अब ना आगे निकलते हैं क्योंकि हमारी टायर की प्रोसेस प्रक्रिया पूरी हुई और भाई हम इस टाइम खड़े हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। ये जगह का नाम है उस्मा टोल प्लाजा, तो लेन बस एंड ट्रक, और ये वाली कार की है और वो वाली ओवरटेक की, यानी ओवरटेक कर सकते हो उस लाइन में, पर अभी हम लगभग रॉन्ग लाइन में खड़े हैं। इसलिए खड़े हैं क्योंकि इनमें ना गाड़ियाँ बहुत सारी लगी हुई हैं तो हमें बस चाय पीना था और चाय पी के निकलना था, इसके लिए भाई हम रॉन्ग लाइन में खड़े थे। इस लाइन में खड़े हो सकते हो पर इस लाइन में जगह भी नहीं थी, हमारी गाड़ी बैठ नहीं पाएगी और इनमें फ़िलहाल गाड़ियां लगी थी, इसके लिए मैं भी लगा दिया। मुश्किल से 10 मिनट यहां पे रुकाऊंगा और अब निकलते हैं आगे। मैंने भाई एग्जिट कर दिया एक्सप्रेस वे इस साइड में है और ये रेस्ट एरिया है। अभी मैं आ गया रेस्ट एरिया पे क्योंकि मुझे लेना है डीजल जियो के पंप से। तो भाई जो डीजल बचा कुचा होता है जहाँ पे अपनी कंपनी का अकाउंट नहीं रहता ना, तो भाई कंपनी वाले जियो से के पंप से हमें डीजल दिलवाते हैं। तो कोई बात ना, अभी रेस्ट एरिया में थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेंगे और देखते हैं कुछ नाश्ता वास्ता मिलता है तो खा भी लेंगे और उसके बाद ना पंप हमारा सामने ही है, पंप से भाई डीजल लेंगे। अभी रेस्ट एरिया का एंजॉय करो। वैसे भाई रेस्ट एरिया ना सही होता है और सामने देख ही सकते हो कितना सही है। आ जाओ भाई, यहाँ पे नाश्ता मिल रहा है यहाँ पे, आ जाओ वहीं पे साइड लगाते हैं। गाड़ी तो अपनी भाई खड़ी कर दी, अभी ना रेस्ट एरिया पर चलते हैं नाश्ता करते हैं क्योंकि मेन जो होटल है उधर है तो उस पर जा नहीं सकते क्योंकि भाई बहुत काफ़ी महंगा मिलता है। और हम चलेंगे इधर जो टपरी है ना, टपरी पे देखते हैं सही मिल जाएगा हमारे लायक। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो गाड़ियाँ खड़ी हैं,
अभी आगे पार्किंग है पर मेन पार्किंग में नहीं गया हूँ। थोड़े से और मसाला मार दो, मसाले थोड़े से और मार दो। बस नाश्ता हो गया भाई, हम ना सीधा चलते हैं पंप पे और पंप पे लेते हैं डीजल, डीजल लेके फिर आगे निकलेंगे। तो आ जाओ, टाइम पे क्या है ना जियो का पंप मिल गया। मैं तो सोचा यार पंप मिलेगा ही नहीं, पर मिल गया। अब ले लेते हैं डीजल पहले। पॉइंट पे अपनी गाड़ी लग गई है फिलहाल, डीजल डलना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे भाई ओटीपी डालना पड़ता है जियो के पंप से। तो आ जाओ, यहाँ पे भाई 5200 कुछ रुपए का है, यानी 60 लीटर तक आएगा मेरे हिसाब से। अभी चल रहा है मीटर, यहाँ पे वैल्यू 60 लीटर 5289 रुपए का। आ जाओ, हमारा तो कोटा पूरा हुआ, गेज मारते हैं, गेज मार के ना फिर आगे निकलते हैं। वैसे हम आपके जानकारी के लिए बता दें तो हम पहुंच चुके हैं कन्नौज, और भाई कन्नौज से लेफ्ट मार रहे हैं क्योंकि हमें हरदोई की तरफ जाना है। तो हरदोई की तरफ जाके ना वहाँ से सांडी पड़ता है, तो सांडी भाई वो बाहर बाहर रास्ता निकाल लेगा अपना भाई शाहजहाँपुर जो कि बुल्लाबाद, बुल्लापुर पड़ता है भाई, उधर निकलते हैं, उधर निकल जाएंगे। अभी धीरे धीरे ना सर्विस रोड में आ गए, अभी आगे ब्रिज के नीचे से भाई सीधा हमें मारना है राइट, वो रहा सामने ब्रिज। वैसे मैं आपको ये वाली नदी हमेशा दिखाता हूँ, तो अभी आज देखो ये वाली नदी पूरा उछाल मार रही है भाई, पूरा भाई फुल पूरा, कोई समंदर से कम नहीं है, क्योंकि ये नदी ना अलर्ट पे आ गई है, इसके लिए पूरा भरी है भाई। जहाँ का पानी होता है ना सारा पानी इसी नदी में आता है, इसके लिए ये जो ज़मीन कहीं कहीं पे दिख रही थी अब वो अभी नहीं है, जो कि देख ही सकते भाई पूरा भाई पानी पानी हो गया। इधर देखो थोड़ा बहुत ज़मीन दिखेगी पर अब सब ख़त्म, कुछ टाइम में तो भाई ये भी पूरा ना पानी पानी भर जाएगा पूरा भाई, खत्म नदी, दूर दूर तक बस पानी पानी। अभी मेरी स्पीड चल रही है देखो कितने देख रहे हो 25 के यार, ये बाइक वाले भी ना इतना स्लो चलते हैं, और जब ऐसे जगह रहेगी तो भाई पूरा उछाल मारेंगे, बोलेंगे बात करो जो है मैं ही हूँ। अभी आप सोच रहे हो भाई कितना तेज़ से वाइपर क्यों चला रहा है, पता है क्यों? पीछे इतनी तगड़ी बारिश हो रही थी ना यार, अच्छी खासी बारिश हो रही थी मेरे हिसाब से 5 किलोमीटर के अंदर में, और इधर देखो बारिश नहीं है। अभी वाइपर ना स्लो कर देता है क्योंकि इधर एक एक बूंद पड़ रही है, तो एक एक बूंद हो जाएगा। और भाई मैं इस साइड आपको दिखाऊं तो इस साइड तगड़ी बारिश हो रही है मेरे हिसाब से 2-3 किलोमीटर के पार, अच्छी खासी बारिश हो रही है। अभी इधर देखो पूरी ज़मीन सूखी पड़ी है ऐसे ही भाई ना, हर एक जगह पे गर्मी और बारिश मिलती रहती है। अभी देख ही सकते अभी इधर भी बारिश आना स्टार्ट हो गई मेरे हिसाब से। ये देखो भाई इधर बस अभी ना हवा चल रहा है, हवा चल रहा है बस, अभी बूंद भी मेरे हिसाब से 1 किलोमीटर आसपास में बूंद भी आने लगे, 1 किलोमीटर आसपास नहीं भाई सामने ही बूंद है, इधर देखो सामने आने लगी, देखो शीशे पे देखो एक बार भाई बूंद आने लगी, तो अंदर आ गई यार अब की बार बूंद, ब्रेक लेते हैं पहले देखो बूंद आ गई भैया एक दो, जैसे कि अभी मैं 1.5 किलोमीटर चलाऊँगा यानी मार्केट पार किया, मार्केट की इधर बूंद नहीं आ रही थी, मार्केट पार कर दे भाई, ये देखो अभी बूंद आ गई।
अभी इस टाइम ना 2 बज गए और हम इस टाइम हुल्लापुर पहुंच चुके हैं। और भाई देख सकते हैं इतनी तगड़ी बारिश हो रही है ना इधर, लगभग आधे घंटे से ऐसे ही बारिश हो रही है भाई, पूरी अच्छी खासी। अंदर देख रहे हो पूरा जम गया ऐसा ऐसा करके। अभी इसको साफ करें भाई, ऐसे क्या ना बाफ बन जाता है ना तो जम जाता है यार, पता नहीं चलता। आ जाओ, गाड़ी बढ़ रही है, हम भी आराम आराम से टर्न लेते हैं भाई राइट, क्योंकि हमें जाना है बरेली। तो इधर से कटरा, कटरा से बरेली, बरेली से भाई रुद्रपुर, आराम से आराम से। ये देखो भाई 15 अगस्त की शानदार तैयारी भाई, खतरनाक सा लाइन लगी है तिरंगे की। ये आ गए भाई जलालाबाद, यहाँ पे लगा है जाम, चौराहा है, चौराहे की वजह से भाई ना थोड़ा टर्निंग पॉइंट पे जाम लगता है। अब इसको आराम आराम से पार करते हैं पहले। और एक हमारे भाई साहब हैं जलालाबाद के, उनसे भाई मुलाकात करेंगे, उसके बाद आगे निकलेंगे। पहले ये ना ट्रैफिक पार कर लिया जाए। आपसे भाई बताया था ना कि जलालाबाद भाई एक भाई मिलेंगे, तो फिलहाल मिल चुके हैं। तो भाई यहाँ से निकल गए थे ना वही वाले भाई साहब है। हेलो गाइस, वैसे भाई मिल गया ना भाई से, अच्छा लगा, क्योंकि यार रास्ते में बड़ी खुशी होती है अर्जुन भैया से मिलके। जब भी मिलते हैं प्लीज़ आप लोग सभी सपोर्ट कीजिए हमारे भाई को दिल से। तो भाई मिलने में ना अच्छा लगता है, क्योंकि रोडों पे भाई कोई भी अगर मिलता ना अपनापन महसूस होता है। तो फिलहाल भाई हमारे मस्त है और बातचीत करके ना बहुत अच्छा लगा। काफ़ी टाइम बिताया भैया के साथ, अब इनका भी चलने का टाइम हो गया, हमें भी जाना है ड्यूटी अपनी। अभी 2 बजे से ड्यूटी आनी है, निकलते हैं, बाकी अगली बार अच्छे से समय बिताएंगे हम लोग। चलो ठीक है भाई, फिर निकलते हैं ना। हाँ निकलते हैं, अच्छा फिर निकला जाए भाई। भाई को अलविदा बोल दिए, अब हम निकल पड़े भाई रास्ते पे, क्योंकि हमें आगे भी जाना है। अभी लगभग 3:30 बज गए और इधर अभी कटरा जाना है, यहाँ से 25 किलोमीटर कटरा से बरेली, बरेली से रुद्रपुर, अभी टोटल मिलाई 150 किलोमीटर लगभग जाना है। तो इसके लिए हम वहाँ से निकल दिए और भाई भी बता रहे थे कि हमें काम पे जाना है, वो काम पर से भाई छुट्टी लेके आते हैं स्पेशली मिलने के लिए। और रास्ते में कोई हमारा सब्सक्राइबर भाई मिलते हैं ना तो बताऊँ बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ अपनी शेयर करो और कुछ उनकी सुनो। तो चलो भाई बहुत अच्छा लगा मिलते, और अब धीरे धीरे आगे निकलते हैं भाई। हमें भी यार 150 किलोमीटर जाना है, लगभग रात हो जाएगी मेरे हिसाब से 10-11-12 तो बच जाएंगे, क्योंकि यार रोड का भी ट्रैफिक भी है ना, सब मिला के 12-1 बच जाएगा। वैसे पार्किंग में पहुँच जाएंगे अच्छी रहेगी, क्योंकि पार्किंग में भाई अस्थाई आराम से सो सकते हैं। चलो आ जाओ फिर निकला जाए आगे। और भाई कमेंट में बताना आप ना कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो भाई लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो हम पहुँच चुके हैं अभी कटरा, तो सामने दिख रहा होगा आपको आड़ा ब्रिज, जो कि ड्राइवर भाषा में ना इसको आड़ा ब्रिज बोला जाता है। अभी हमें लेना है यहाँ से लेफ्ट, आ जाओ आराम से लेफ्ट लेते हैं। यार ये आ गई, लेकिन हम नहीं देख पाए, मैं देख गया, इसके लिए ड्राइवर की नज़र ना तेज होती है और इसकी पूँछ भी कटी है। वैसे हम बरेली वाले रोड पे भाई कट मार चुके हैं कटरा से, और मौसम देख सकते हो भाई काफ़ी धुंधला और अंधेरा सा दिख रहा है। तो इसका मतलब लगता है सामने बारिश हो रही होगी, और रुद्रपुर में भी, क्योंकि ये साइड जो दिख रहा है ना ये रुद्रपुर का साइड दिख रहा है, इस साइड काला काला पूरा, पर अभी ये पेड़ है ना इसीलिए थोड़ा कम दिखेगा। तो भी सामने का देखो, वैसे भाई काफ़ी शानदार व्यू है। अभी हम पहुँच चुके हैं फरीदपुर, जगह का नाम है फुलवा। भाई यहाँ पे ना इतनी बारिश हो रही है ना भाई, आपको क्या ही बताऊँ, आप खुद ही देखो और बताओ भाई कैसा लग रहा है।
वैसे यार बारिश हो रही ना तो हमारे साइड ग्लास जो होता है भाई पानी पड़ जाता है, पानी को जैसे दिखता नहीं जैसे चलते दोनों साइडों में देख रहे हो। फिर भी हम आराम आराम से चल रहे हैं क्योंकि कितनी गाड़ियाँ अपना स्लेसर लगा के चलते हैं, यानी स्लेसर का मतलब फुल इंडिकेटर चला देंगे भाई, डिम 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 करता रहेगा इससे भाई पता चलता है। तो आ जाओ हम भी आराम आराम से चलते हैं और भाई बारिश का मज़ा लेते हैं। भाई पूरा अच्छी खासी बारिश हो रही है, लगभग 15 से 20 मिनट, और मैं रोड पे ही चल रहा हूँ क्योंकि हमारा सफ़र होता है तो पता नहीं चलता कहाँ पे बारिश हो रही है और कहाँ पे भाई नहीं, क्योंकि 15 से 20 किलोमीटर बाद बारिश, उसके बाद शांति, फिर बारिश, फिर शांति, ऐसा होता है। तभी यार ये 20 मिनट में मेरे हिसाब से पूरे हो गए बारिश बारिश के। आपसे बोला था ना कि हम सफ़र करते हैं 10-5 किलोमीटर में बारिश होती है और 10-5 किलोमीटर में बारिश नहीं होती। तो जैसे कि देख सकते हो इधर भाई पूरा सूखा सूखा, जस्ट 2 मिनट की देरी थी, 2 मिनट पीछे जाऊंगा ना, यानी मेरे हिसाब से 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे जाऊंगा तो अच्छा खासा भाई बारिश थी, अच्छा खासा पानी लगा हुआ था जो कि ये क्लिप है, और यहाँ पे देख भाई पूरा सूखा सूखा। अब तो भाई ये वाइपर तो बंद कर सकता हूँ ना क्योंकि बारिश तो ख़त्म हो गई, और शीशे को देख सकते हो पानी, और अपना ट्राला और टायर देखो। ताज़ा खबर और बताऊँ ये तो भाई सामने देखो अभी मौसम फिर से ख़राब, और ये जा रही है जम्मू कश्मीर की गाड़ी। एक बार भाई आपकी जूम करके दिखाता हूँ, जम्मू कश्मीर की गाड़ियाँ ना काफ़ी खूबसूरत होती हैं भाई, और अंदर से और होती है, बाहर से भी बहुत खूबसूरत होती है क्योंकि ये होती है 6 टायरी और 10 टायरी छोटी छोटी, ठीक, क्योंकि ये चलती है जम्मू कश्मीर में जो कि गुलमार्ग वगैरह वगैरह जाती रहती हैं। तो उधर भाई घाट एरिया ज़्यादा है इसके लिए वहाँ पे गाड़ियाँ छोटी चलती हैं, मेरे हिसाब से 15 से 20 फीट यही चलती होगी। एक बार ना मैं उनकी फुल वीडियो लाऊँगा आपको बताऊँगा, ठीक। अभी मेरा तो देख ही सकते हो भाई कितना फीट की है, वैसे शीशे पे पानी है तो आपको बराबर दिखेगा नहीं, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हम सफ़र करते हैं आगे, अभी फिर बारिश मिलने वाली है, अभी सूखा सूखा, जो कि एक बार ज़मीन दिखाता हूँ जूम करके, देखो कैसी ज़मीन है, सूखा सूखा ना, हल्का हल्का पानी दिख रहा होगा, पर अभी आगे और तगड़ी बारिश मिलने वाली है क्योंकि बादल ऐसे ही छाए हुए हैं और हमारे शीशे पे भाई हल्की हल्की बूंद आनी स्टार्ट हो गई है। तो भाई गाड़ी अपनी खड़ी हो चुकी है जो कि एक बार टायर भी चेक कर लिए और रेस्ट भी थोड़ी सी हो जाएगी, और ये टोल है फरीदपुर का, हम रुक चुके हैं चाय पीने के लिए, चाय ले लेते हैं भाई, थोड़ी सुस्ती सी आ रही है, अभी फुर्ती आ जाएगी भाई फुल एनर्जी में चलेंगे अभी चाय ना वहाँ पे भाई सब हमारे बना रहे हैं, बस बन रही है चाय, जब तक बनेगी तब तक थोड़ा सा आराम भी कर लिया जाएगा। और गाड़ी अपनी मस्त भाई खड़ी है, अभी देखो इधर बारिश नहीं है, अभी बस हल्की हल्की ना बूंद है, हाथे पे नहीं आ रही है, सोलर पे है। ये मिल गई भाई चाय, वैसे थोड़ी सी मैंने पी ली टेस्ट के लिए। तो भाई पीछे हमारी ये दुकान है बस UP25 स्टॉल, तो काफ़ी चाय अच्छा है और पी लेते हैं ना, उसके बाद मस्त निकलते हैं। एक बार चाय की दुकान फिर से देखो, मस्त बढ़िया है, और हमारे भाई साहब देख रहे हैं, चलो फिर देखा जाए एक बार गाड़ी की साइड, फिर ना चाय पी लेते हैं फिर निकलते हैं आराम से भाई, क्योंकि सफ़र भी अपना थोड़ा है यार, अभी यहाँ से देखना पड़ेगा। और ये रहा सामने टोल प्लाजा, ये आ गया भाई बरेली नैनी ताल वाला रोड, और ये कैश टोल है, यहाँ पे कैश देना पड़ेगा, और पीछे लंबी लाइन देखो। ये लो भैया, ये है भाई किच्छा, जो कि अभी रात के बज रहे हैं 9, अभी हम किच्छा में एंटर कर चुके हैं, तो ये धीरे धीरे ना आगे से हमें लेना है
भाई राइट राइट मार के ना फिर पता क्या पता यार पंत नगर साइड जाना पड़ेगा, अभी इसी का पहले आगे चलते हैं। तो भी आ चुके हैं भाई हम अपने पार्किंग में, जैसे जहाँ पे गाड़ियाँ लगाते हैं ना वहीं पर लगाए हैं। और भाई रात के 10:30 बज चुके हैं फिलहाल, वहाँ से भाई खाना लाया था, ये बटर पनीर क्या है यार वो है सलाद रोटी। तो आ जाओ भाई खाते हैं, वैसे भी भूख लगी क्योंकि दिन में यार समोसे वोसे यही यानी जब इलेसी रोड से आता हूँ ना बरेली से तब खाना नहीं खाता, बहुत कम ही खाना खाता हूँ, नहीं तो बस चटपटक कहीं जो मिल गया अच्छा अच्छा यही फास्ट फूड खा लेता हूँ, मज़ा आ जाता है। अभी फ़िलहाल शाम हो गई तो भाई अपना बटर पनीर प्लस रोटी खाते हैं, खा के भाई फिर आराम से सोएंगे। और कैसे बताऊँ आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताऊँ, और वीडियो अच्छा लगा ना तो लाइक करो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और अच्छी इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।